ये आपको इन्होंने बॉश का स्पीकर्स लगाए हुए हैं। सर्दियों में धूप सेकने का छत पे मजा अलग ही है यार। ये पूरा कंटिन्यू आपको पूरी रूफ पे मिलता है, तो ये आपका एज गुड एज ड्रेसर का फील देता हुआ पूरी इटालियन की फ्लोरिंग है। किसी को ये बहुत अच्छा लगने वाला है। हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट डायरेक्ट। हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को इन्वेस्ट डायरेक्ट परिवार की तरफ से। आशा करता हूँ ये पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो और पूरे पूरे साल आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, घर में खुशियाँ आए और पूरा घर आपका तंदुरुस्त और स्वस्थ रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आज हम हैं सुशांत फेज वन में। 215 गज का ब्यूटीफुल साइज है, अमेजिंग प्रॉपर्टी है, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम के साथ है, एक पाउडर रूम भी आपको इसमें मिलता है। प्रॉपर्टी पे खड़े हैं, ये एक्चुअल आपके सामने है, ये एक्चुअल फ्लैट है, ये एक्चुअल आपको बिल्डर फ्लोर मिलता है, टॉप फ्लोर विद रूफ राइट भी इसमें अवेलेबल है। मार्केट की बात करें, व्यापार केंद्र आपके काफ़ी पास में है, रॉफ पत्रिकों की मार्केट काफ़ी पास में है, गलेरिया मार्केट आपके काफ़ी नियरेस्ट है और ये मेजर मार्केट तो मैंने आपको बताई थी। बात करें कनेक्टिविटी की तो मेट्रो काफ़ी पास में मिलती है आपको, MG रोड आपको नियरेस्ट मिलता है, हाईवे 5 मिनट की ड्राइव पे मिलता है, गोल्फ कोर्स तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पे आपको कनेक्टेड मिलता है। दिल्ली की कनेक्टिविटी बात करें तो यहाँ से आधे घंटे के अंदर आप धोला कुआं आप पहुँच सकते हैं, अगर ये पीक आवर्स नहीं हो तो, ऑफ टाइमिंग की बात कर रहे हैं। स्कूल और हॉस्पिटल की बात करें तो स्कूल यहाँ पे है आपका BTS इंटरनेशनल स्कूल काफ़ी नियरेस्ट है, शिमला हिल्स इंटरनेशनल स्कूल काफ़ी नियरेस्ट है और काफ़ी बड़े बड़े जो स्कूल हैं वो भी आपके नियरेस्ट हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो मैक्स हॉस्पिटल और फोर्टिस हॉस्पिटल भी आपके काफ़ी नियरेस्ट हैं। मेदांता तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे आपको वो भी आपको नियरेस्ट मिलता है और पार्किंग आउटस्टैंडिंग बिल्ड क्वालिटी वो आप अभी देख ही लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। है इसकी फ्रंट एलिवेशन, टॉप की बिल्ड क्वालिटी, ये अगेन विक्टोरियन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है और आदित्य होम्स नाम तो सुना ही होगा आपने, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा 215 गज का साइज बनाने में ये माहिर है। ये चारों के गोदरेज के कैमरास हैं, ये आपके यहाँ से 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 4 फ्लोरों की टैब्स, यहाँ पे सबकी स्टोरेज है, यहाँ पे धीमी धीमी सी ना साउंड भी है वो देखो आप बिल्डर कहाँ पे, ये आपको इन्होंने बॉश का स्पीकर्स लगाए हुए हैं और ये फॉल सीलिंग देखें आप, ये ओरो से ये यूनिक है। कैमरास आपके चारों इंस्टॉल्ड हैं, 1, 2 और 3, 4, ये जो है ये मेन एंट्री है, कैमरा का आपको पूरा बॉक्स वहाँ पे नजर आ जाएगा। ये है इनकी लिफ्ट, टायसन ग्रुप की है, ये 5वें फ्लोर तक आपकी लिफ्ट है, टॉप फ्लोर तक ये पूरी आपकी रूफ। सर्दियों में धूप सेकने का छत पे मज़ा अलग ही है यार। कुछ भी कहो, अगर ऐसी रूफ मिले ना तो खुशी होती है यार कि आपने अपनी लाइफ की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपने करी है। बहुत ही डिज़ाइनर 215 गज की ये छत है और इसमें क्या बिल्डर ने खूबियां दिखाई हैं और
अपनी इनोवेशन निकाली है, इसकी फ्लोरिंग की बात करते हैं। आप देखें फ्लोरिंग पे, आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये स्टोन वर्क है, कि जो पैटर्न है इसकी फ्लोरिंग का पूरा स्टोन बेस्ड स्लेट लुक में आपको नज़र आने वाला है। और इसी से ना बिल्डर के टेस्ट का पता चलता है, उसने कोई बेसिक काम नहीं कर दिया, ग्रेनाइट नहीं लगा दिया, इसने कुछ ना कुछ एक इनोवेशन हर एक न्यू साइट में ये करना ही करना इनका काम है। एंट्री करते ही सामने की वॉल देखें तो पूरी वॉल पे आपको बैठने का स्पेस मिलेगा, जैसे इधर भी मिल गया आपको, इधर ये पूरा कंटिन्यू आपको पूरी रूफ पे मिलता है, और बीच में आपको पूरी की पूरी क्लियर स्पेस मिलता है। आप कहीं पर पार्टी शार्टी भी अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो 40 से 50 लोगों की आपकी गेट टुगेदर छत पे आराम से इजिली हो सकती है। और काम भी आप देखें, पूरा का पूरा सैंडस्टोन जो नीचे पार्किंग में हमने देखा है वही सेम आपको यहाँ पे मिलेगा। और सामने की तरफ पूरा आपको फाउंटेन मिलता है, और ये आपकी आर्टिफिशियल ग्रास नहीं है, ये पूरी आपको ग्रास, आपको प्लांटर्स नज़र आ रहे हैं। ये आपका पूरा बार काउंटर है, इसके नीचे भी आपको लाइट मिलती है, एलईडी लाइट्स हैं, ये भी आपको लाइट्स हैं, बाहर भी आपको लाइट्स मिल रही हैं, और पूरी आपको रूफ पे अच्छी लाइट मिलती है। ये आपकी रूफ पर आपको एक वॉशरूम, ये है आपके फ्रंट में पैरागोला, वुडन में है, प्रॉपर ब्रॉड विंडो जो आपके नेचुरल लाइट देती है आपको, आपके स्टेयर्स पे प्लांटर्स हैं, और ये है नज़ारा आपके रूफ से, दो स्टेप आप चढ़ के आपको मिलता है। ये प्रॉपर इनकी मेन एंट्री, ये मेन डोर है, और डोर की बात करें प्रॉपर हार्डवुड का डोर है, वॉलनट कलर की पॉलिश है, और बहुत अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पे देखें इसकी विड्थ, ये डोरसेट कंपनी का है। हाँ जी, वेलकम बैक। डोर करते हैं हम बंद, ठीक है। पूरा घर बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट पे बना हुआ है। लेआउट की बात करें तो ये है इसका ड्राइंग डाइनिंग, फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, ये है आपका पाउडर रूम, सेंटर में आपको किचन मिलता है, सेकंड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, थर्ड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, दोनों बेडरूम के साथ पीछे की बालकनी अटैच है, और आगे ड्राइंग रूम और फर्स्ट बेडरूम के साथ आपकी फ्रंट बालकनी अटैच है। ये जो बीच में है ये आपको सेंटर में एक फायर मिलता है, पैसेज मिलता है, जो बहुत ही डिजाइनर लुक में मिलता है। और स्टार्ट करते हैं, आइए अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ उसके बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग डाइनिंग में। हर एक वॉल हाइलाइटेड है, अगर स्टार्ट करें इस वॉल से, बिल्कुल फ्रंट की वॉल है, प्रॉपर हाइलाइटिंग है, और इस वॉल पे पीओपी का काफ़ी नीश वर्क नज़र आएगा, बहुत ही ब्रॉड ग्रूव्स है और काफ़ी रिच पैटर्न है। ये वाली वॉल पे भी इन्होंने हाइलाइटेड दी है, और वुडन पैटर्न के अंदर है, बहुत वुडन पैनलिंग की हुई है, काफ़ी रिचनेस है। एसीज आपके सामने हैं, और दोनों तरफ आपको फैंसी लाइट्स मिलेंगी, आपको इधर भी आपको फैंसी लाइट्स मिलती हैं, हर एक वॉल पे कुछ ना कुछ आपको नज़र आने वाला है। ये भी आपके वॉल पे, ये फिक्स है, ये ओपन नहीं होता, ये आपके एक आर्टिफिशियल विंडो क्रिएट की गई है बिल्डर ने। और ये वाली जो वॉल है इस पे भी आपको कहीं ना कहीं एक क्लासिक डिज़ाइन नज़र आने वाले हैं, एसीज आपको यहाँ पे भी मिलता है। तो इस ड्राइंग डाइनिंग में आपको दो एसी मिलते हैं। सेंटर की जो आप फॉल सीलिंग देखें तो इसमें ना काफ़ी बारीकी से अगर आप देखेंगे तो इसमें नीश वर्क नज़र आएगा कि कितना कितना डिज़ाइनर काम किया है इन्होंने। और फ्लोरिंग आप देखें, पूरी इटालियन की फ्लोरिंग है, स्टोन का जो काम है वो भी बहुत डिसेंट किया गया है, जहाँ पे जो पैटर्न आना चाहिए आपको इस घर में मिलेगा। तो ये था इसका क्लासिक ड्राइंग डाइनिंग। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। जाने से पहले आप देखें, एक एक चीज़ पे ना अगर मैं हाथ लगाता हूँ तो ये मैट फिनिशिंग होते हुए भी स्लिपरी है, बहुत ही प्यारा काम नज़र आता है यार। जब आप आएंगे ना, जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ सीरियसली, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं देखोगे तो आप फील नहीं कर पाओगे इसकी पॉजिटिव वाइब्स। अब हम इसके फर्स्ट बेडरूम में एंट्री करते हैं।
एंट्री करते ही अगर हम देखें तो वाइट कलर के अंदर डिको पेंट किया गया है इन्होंने। डोर सेट के हैंडल्स हैं डार्क कलर के अंदर, इसको हम करते हैं बंद। और आप एक चीज देखें, डिटेलिंग पे जाना, आपको डोर के साथ ऊपर भी आपको पैटर्न नजर आएगा जो आपको बहुत ही खूबसूरत डिटेलिंग देता हुआ। ये आप देखें, ये पैटर्न, ये आपको हर जगह नजर आने वाला है, जहां पे जो वुड का कलर है वही आपको ऊपर नजर आने वाला है। आप पूरी देखो, कॉर्निस डिजाइन है, पूरी कॉर्निस डिजाइनर बनी हुई है। आप फॉल सीलिंग देखें, बहुत रेयर होता है बिल्डर ना इतनी डिटेलिंग पे काम करे, बट इसी चीज के प्राइस उनको मिलते हैं क्योंकि डिटेलिंग का काम ना बहुत 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 ज़्यादा टाइम मांगता है। और ये है इसकी बेड की बैक, आप पैटर्न देखें, बहुत ही सिंपल और क्लासी फिनिशिंग में आपको नजर आने वाला है। ये आपको डायकन का एसी, ये है हम इसके वॉशरूम में एंट्री करते हैं। ये हार्डवुड का डोर और बहुत ही क्लासी क्यू की फिटिंग्स हैं, और ये पत्थर लगता हुआ, अगर आप एक लुक में अगर आप आएंगे तो एक बार को आपको ये पूरा स्टोन वर्क नजर आएगा, बट हालांकि ये टाइल्स हैं और यहाँ पे भी इन्होंने पैटर्न दिया है। ये ऊपर है, ये डाउन है, बहुत ही अच्छा काम। नीचे आप देखें फ्लोरिंग इटालियन की चेक स्टाइल में, यहाँ पे बैठने का भी स्पेस दिया हुआ है। ये है आपका फिक्स ग्लास पार्टीशन, और आप ये देखें, ये है स्टोन और ये है टाइल, इस कलर मैचिंग में कितना टाइम लगा होगा, कितना नीच वर्क है वो आपको नजर आएगा। हर एक वॉल पे कुछ ना कुछ एक पैटर्न। ये है आपका टॉप, नीचे आपकी वैनिटी, ये देखें बहुत ही यूनिक डिजाइन है, वॉश बेसिन का प्रीमियम फील देता हुआ क्यों। अब ये आते हैं इसकी अलमीरा पे, अगर अभी तक किसी को भी ये घर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ये आपकी वार्डरोब्स हैं और तकरीबन 4 सेक्शन वार्डरोब के साइज में है। अंदर डार्क कलर के लैमिनेट दिए गए हैं, प्रोफाइल लाइट दी गई है, बहुत ही अमेज काम है। अब इस टैब में वाओ, हॉट एंड कोल्ड डुअल। अब हम चलते हैं इसके, अच्छा लगा ना यार, डिटेलिंग का काम है, इसलिए प्राइस जब हम बात करते हैं, यार बिल्डर क्यों मांग रहा है यार, क्यों इतने पैसे मांगता है, तो वो पता चलना चाहिए कि ये डिटेलिंग का काम बहुत टफ होता है। पूरे पैसेज में अगर देखें तो ये आपकी फ्लोरिंग का डिज़ाइन है, पैटर्न है, अगेन आपकी वॉल भी कितनी लोडेड है, आपकी हाइट भी बहुत अच्छी बिल्डर ने दी है। ये आपका पाउडर रूम, इसमें एंट्री करते ही आपका पूरा फुल फ्रेम, ये आपको मिरर मिलता है, हैंगिंग फैंसी लाइट है, और ये अगेन क्यों का डिजाइनर टैप, और नीचे फ्लोरिंग भी आपकी इटालियन की। ये ना एक्चुअल में सीएनसी कटिंग से होता है, बहुत टफ होता है इसको काटना, और ये पूरा का पूरा स्टोन वर्क है, ये टाइल नहीं है, इस पूरा पूरा स्टोन वर्क है, इसमें ग्रूव्स दिए गए हैं। यहाँ पे भी आपकी इन्होंने मैग्नेटिक जाली दी है, अगर आप देखें इस तरीके से ये खींचेंगे ऊपर हो जाएगी, वेरी नाइस। तो ये था इसका पाउडर रूम, ये है इसका ब्यूटीफुल किचन, अगेन फ्लोरिंग कुछ नया पैटर्न और बहुत ही अच्छा काम, लग्जरी फील देता हुआ। ग्लेन का 4 बर्नर हॉब है, टाइल, ये आपकी पैंट्री,
आप इसके अंदर के लैमिनेट्स को देखें, बहुत ही अच्छा फिनिश, शटर्स बहुत अच्छे हैं। देखिए इसमें आपको डिजाइन नजर आएगा, कहीं लैमिनेट नहीं है, प्योर पॉलिश हो रखी है, ओवरहेड स्टोरेज भी है और रेफ्रिजरेटर का स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको अपनी आपको एक छोटी सी स्टोरेज आपको यहाँ पे भी मिलती है, अगर यहाँ पे आप अपना इन्वर्टर वगैरह कुछ रखना चाहें, और ओपन टू स्काई है स्टोरेज आपको यहाँ पे मिलती है। क्यों, ये डबल बाउल है, ये तो आपका हो गया वेट एरिया, और ये है आपका पूरा ड्राई पार्ट, एल शेप में आपको यहाँ पे मिलता है, और शाफ्ट में जाने का भी आपको स्पेस मिलता है। तो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है, माइक्रोवेव ओटीजी भी आपको इसमें इंस्टॉल्ड मिलता है। तो ये था इसका किचन, अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। ये है वुडन फ्लोरिंग, सामने की हाइलाइटेड वॉल, साइज अगर आप देखें तो काफी ब्रॉड साइज मिलता है, ऊपर आपको फॉल सीलिंग, और यहाँ पे पूरा पेलमेट आपको डिजाइन करके दिया है स्टेप डिजाइन में, यहाँ पे आप अपने कर्टेन वगैरह लगा सकते हैं, पूरी कॉर्नेस मेंटेन करके दी हुई है, नीचे फ्लोरिंग वेरी नाइस। अब यहाँ पे जो डोर है वो है वाइट कलर का डोर, आपके जो मेन डोर है वो सारे वाइट कलर के अंदर है, और उसके ऊपर ये रनिंग में पैटर्न है, बहुत ही अच्छा डिजाइन, ये जो वार्डरोब है। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करें, बिल्डर ने नीचे भी ना ये छोटी सी चीज करिए कि ये दीवार पे टच ना हो, बहुत लोग नहीं कर पाते कभी कभार, वेरी नाइस, वेरी नाइसली डन, बहुत ही अच्छा काम। जो आपके रूम की एंट्री है वो वाइट कलर के अंदर डोर्स हैं, जो किचन अपना वॉशरूम के अंदर एंट्री है वो है वॉलनट कलर की पॉलिश में। एसीज हैं, बैक साइड की बालकनी पूरी आपकी बालकनी है, प्रॉपर बालकनी, अब मैं इसके वॉशरूम में चलता हूं। ये एक्चुअल में थर्ड वॉशरूम हो गया, पाउडर रूम के बाद ये थर्ड वॉशरूम है, ये आपका बाथिंग एरिया, क्योंकि डुअल डाइवर्टर्स हैं, ऊपर आपका काफी ब्रॉड शॉवर, ये आपकी छोटी सी स्टोरेज, वेरी नाइस। टाइल बहुत ही अच्छी है, छोटे छोटे ग्रूव्स आपको नजर आते हुए, ये काफी ब्रॉड मिरर है, ये भी अच्छा लगता हुआ। ये है लॉन्ग हाइट में आपकी टैब, अच्छी फील देती हुई। ये है आपका पूरा टॉप, नीचे आप देखें फ्लोरिंग का जो पैटर्न है, हर फ्लोरिंग में हर वॉशरूम में कुछ डिफरेंट, कुछ अलग काम, ये अगेन आपके बेडरूम से मैच करती हुई वैनिटी। जब हम इस तरीके का काम देखते हैं ना यार, तो बेचने का भी मन करता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि यार कुछ चीज़ें ऐसी लगता है कि कभी ना आपको बजट से ओवर प्राइस लगती है, तो आपको बेचने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा झिझकना पड़ता है। यहाँ पे आपको बेचते वक्त या आपको देते वक्त, आपको बताते वक्त ना कहीं पर भी हमें सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है इस बिल्डर ने इसके ऊपर अच्छी सोच से अच्छा काम किया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे आके नज़र भी आने वाला है। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम, थर्ड बेडरूम में, और ये है कुछ फील आपके सेकंड बेडरूम और थर्ड से निकलते हुए। अगेन ये है आपकी इटालियन की फ्लोरिंग, और सामने डार्क ग्रे कलर के पैटर्न में वॉल,
ये आपकी पीओपीसी से बनी हुई है और बहुत ही अच्छी फील दे रही है डिजाइन। ये सारा ग्रूव्स में है, वेरी नाइस। और ये है आपकी वार्डरोब, अगेन बहुत ही अमेज। कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करने की आदत है इनकी। ये आपकी फोर सेक्शन वार्डरोब हो गई, ये आपके साथ बालकनी का अटैच हो गया, और ये आपका बेडरूम। फ्लोरिंग आपकी इटालियन की, सामने आपको वाओ इसमें दो वार्डरोब्स हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं, वेरी नाइस। तो ये आपका एज गुड एज ड्रेसर का फील देता हुआ, बट ये वॉशरूम में हम एंटर कर चुके हैं। अब ये है आपकी प्रॉपर टॉप कियो, ये है अगेन टाइल, टाइल के साथ यहाँ पे डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन आपको नजर आने वाला है इस वॉशरूम में। ये थ्री स्ट्रिप्स लगातार आपकी कॉन्टिन्यूटी में नजर आती हुई, और ये है इसका डिटेलिंग का पार्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। ये है आपका बाथिंग एरिया, और ये वॉल इन्होंने एक पार्टीशन की तरह बनाई हुई है, और ये आपको बैठने का फील भी, आपको बैठने का स्पेस भी मिलता है। नीचे अगेन पैटर्न फ्लोरिंग का फिक्स ग्लास पार्टीशन, नीचे आपकी फ्लोरिंग कुछ बो स्टाइल में, फोर सेक्शन वार्डरोब, हैंगिंग लाइट, वॉलनट कलर का डोर। फाइनली पूरा घर मैंने आपको दिखा दिया है, कमी ना मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि बिल्डर का काम अपने आप में काफ़ी फोकस्ड है और अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी है, वर्कमैनशिप टॉप नॉच है। प्राइसिंग आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साइट विजिट के लिए अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो मुझे कॉल करें, मेरी काफ़ी अच्छी टीम है। पालम विहार, न्यू गोरेगांव, एक्सटेंशन रोड, ये हमने सारा कवर कर लिया है। आपको किसी भी लोकेशन में आप देखना है, पूरा SPR रोड हमारे पास है, एक्सटेंशन रोड हमारे पास है, और पालम विहार द्वारका एक्सप्रेसवे तक हम कवरिंग कर रहे हैं, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम पूरा कवर आपको करके देंगे, और आपको कहीं पर भी और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन स्पॉट टॉप सॉल्यूशंस के साथ हम आपके पास आएंगे। और कैसा लगा ये घर, मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड।